इस पार्टी देवरिया के जिला अध्यक्ष नसीम अहमद की मौजूदगी में शहर के सुभाष चौक पर चार सूत्रीय मांगों को लेकर नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति महोदय के नाम देवरिया प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया देंगे, लेकिन आज का यही कार्यक्रम है। हमारी मांग बस एक है कि इस संविधान विरोधी CAB बिल को तुरंत सरकार वापस ले। ये सरकार पता नहीं क्यों संविधान विरोधी काम को समझने के बाद भी कर रही है, नहीं करना चाहिए। देश में तमाम मसले हैं, आज महंगाई है, बेरोजगारी है, असुरक्षा है, ये तमाम मसले हैं। सरकार को इन पे ध्यान नहीं है, सरकार को इस पे काम करना चाहिए। ज़बरदस्ती CAB क्या देश का इससे लाभ होने जा रहा है? सरकार बता दे, देश को बता दे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, देश को, नौजवान को क्या फ़ायदा होगा, बेरोजगार को क्या होगा, दवाई के लिए क्या सस्ता हो जाएगा, पढ़ाई कैसे सस्ती हो जाएगी, आज जो असुरक्षा की भावना है महिलाओं में, बच्चियों में, वो कहाँ से हो जाएगा? तो आज काम उस पर करने की ज़रूरत है।